हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आगामी विधानसभा चुनावों में नई नवेली जेजेपी ने पहली चाल चल दी है, लेकिन देखना दिलचस्प जरूर होगा कि बीजेपी किन मुद्दों पर पहला चुनावी कदम रखती है और कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कैसे कमबैक का नया रास्ता ढूंढती है। विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश की सभी पार्टियों ने एकला चलोरे की राह अपनाना ही ठीक समझा है। यही नहीं, जीत के मंत्र को भी पार्टी के हर कार्यकर्ता के कान में फूंक दिया गया है। हर कोई विधानसभा चुनाव के लिए माकूल और तसल्ली बख्श तरीके से अपने बसात तैयार कर रहा है। हरियाणा की राजनीति में पहले ही कई सवाल हवा में तैर रहे हैं और जिनके जवाब नतीजे ही तय करेंगे, लेकिन नतीजों से भी पहले सभी पार्टियां अपने वोट बैंक को पक्का करने की कवायद में जुट गई हैं। अल्प आयु गठबंधन के बाद जैसे तैसे जननायक जनता पार्टी ने फिर सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शुक्रवार को जारी की, जिसमें 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। यूं तो जननायक जनता पार्टी के साथ हुए गठबंधन की उम्र खास लंबी नहीं रही। लोकसभा चुनाव में हुए गठबंधन ने तो चुनाव के बाद ही रास्ता नाप लिया, लेकिन विधानसभा चुनाव के गठबंधन ने तो चुनाव से पहले ही दम तोड़ दिया। देखा जाए तो जेजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने वाली पहली पार्टी नहीं है। स्वराज इंडिया पार्टी इससे पहले ही चुनावी बिगुल फूंक चुकी है और पार्टी ने पहली लिस्ट भी जारी कर दी थी। गौर करने वाली बात अब ये है कि दो सबसे बड़ी पार्टियों ने अभी तक कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है और न ही कोई इशारा दिया है कि किस सीट पर किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा। इसका साफ इशारा इस और है कि पार्टियां अभी तक उम्मीदवारों को टिकट देने की रणनीति ही तैयार कर रही हैं। अब लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण कहीं भी सर नहीं उठा पाया था, लेकिन विधानसभा की रणनीति लोकसभा से काफी हद तक अलग होती है। यहाँ देश के नेता से पहले राज्य के मुद्दों और चेहरों पर बात होती है और हर बार आप केंद्र के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, आपको खुद के काम और नाम पर वोट मांगना होगा। यूं तो जेजेपी और स्वराज इंडिया पार्टी के पास इन चुनावों में कुछ खोने के लिए नहीं है, क्योंकि ये इन पार्टियों की पहली परीक्षा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष की तैयारी का क्या हाल है, क्योंकि विपक्ष के नाम पर कांग्रेस और इनेलो फिलहाल बैठकों में ही मशगूल है। गौर करने वाली बात ये है कि हाल ही में विपक्ष की कुर्सी से उतरने वाली इनेलो अभी तक अपनी पार्टी को ही संगठित नहीं कर पाई है, जबकि कांग्रेस अब जाकर प्रदेश में अपना नेतृत्व कर पाई है, जिसका कितना फायदा होगा फिलहाल इस पर वो कोई मुहर नहीं लगाना चाहती। एक और बीजेपी है जो पहले किसी और के कामों का हिसाब मांगकर सत्ता में आई और अब उसे अपने कामों का हिसाब देना है, और वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जिसमें इनेलो का तो हर चुनाव के साथ ही आधार खत्म होता जा रहा है। वहीं कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी के रणनीति के नाम पर हाथ खाली दिख रहे हैं, लेकिन पार्टी की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास आने से कांग्रेस में बदलाव दिख रहा है। प्रदेश के सामने जेजेपी और स्वराज इंडिया पार्टी के नाम पर एक तीसरा विकल्प तो है, और जेजेपी ने पिछले कुछ चुनावों में अपने प्रदर्शन से सबको चौंकाया भी है, लेकिन जनता उस पर भरोसा करेगी या नहीं इस पर कोई भी दावा नहीं कर सकता है, यानी कि प्रदेश में हर पार्टी के लिए रास्ता खुला भी है और बंद भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।